मुंबई में करीब 2 महीने से लॉकडाउन है और मुंबई के सभी सलून बंद है। लोगों के बाल बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसे मेरे बाल बढ़े हैं। जो इस सलून को चलाते हैं उनका नाम है रविंद्र विरारी। मेरे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, यहाँ से किस तरह से रोज आप इस तरह का काम कैसे कर रहे हैं? जब लॉकडाउन में लोगों के बाल नहीं कट पा रहे हैं तो आप उन लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं जिनके पास तो पैसे ही नहीं है और कई महीनों से उनके बाल बढ़े हुए हैं? लॉकडाउन में काफी लोगों का भी फोन आता है कि सर आप हमारे एरिया में आइए, ऐसे ऐसे बहुत जो गरजू लोग हैं उनके बाल बड़े हैं, वो उनके पास में खाने को पैसा नहीं है तो बाल किधर काटने को जाएगी। तो फिर मैं जिस दिन मेरी जो सेवा रहती मंडे के दिन, तो मंडे को मैं ऐसे झोपड़पट्टी एरिया से जहाँ से मुझे फ़ोन आता है या ब्रिज के नीचे से फ़ोन आते हैं, जो जहाँ पे जो उनके पास में पैसा ही नहीं खाने को तो बाल कहाँ से काटेगा, और बाल नहीं काटेंगे तो उनका जो प्रगति है, मतलब उनका बाल की वजह से वो उनको बीमारी भी लग सकती है। फिर ऐसी काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो फिर मैं कैसा था, अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ, अभी लॉकडाउन तो है लेकिन जैसा सरकार ने जैसा बोला है उस टाइम की वजह से वहाँ पे मैं बराबर पहुँचता हूँ। और ऐसे लोगों की मैं छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो या बूढ़ा रहने दो, जैसा ही मुझे लगता है कि ये आदमी के बाल काटना जरूरी है, ऐसे ही लोगों की मैं सेवा करता हूँ। किस तरह से रविंद्र अपने इस सलून से निकलते हैं, अपने उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर लोगों के बाल काटने हैं, हम आपको अब वहाँ पर ले चलते हैं। यहाँ से ये निकलेंगे, हम इनके साथ चलेंगे और उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर इन्होंने फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया है और आज उनका ये बाल काटने वाले हैं। रविंद्र के साथ मैं इस वक्त पहुंचा हूं मुंबई के भांडुप इलाके में और ये एक स्लम एरिया है। और यहां पर देखिए कि रविंद्र जैसे यहां पर आए हुए हैं, ये सोशल वार्बर जिनको यहां पर सब लोग जानते हैं, जैसे पे आए हैं यहां पर बहुत सारे बच्चे आ गए हैं जिनका कि जो है कई महीनों से बाल नहीं कटा और अब वो बाल कटवाने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। और अब यहाँ पर ऐसे उन बच्चों का बाल काटा जाएगा जो महीनों से उनके बाल नहीं कटे। रविंद्र जी, आप शुरुआत करने जा रहे हैं? जी बराबर, अभी तो काफ़ी बच्चे लोग जमा हो गए हैं। सबको जैसा पता चलता है कि अंकल आ गए तो सब लोग एक दूसरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जिनके जिनके बाल काटना है वो आके खड़े रहिए, तो सब अभी इधर आ गए हैं बाल काटने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद जो है रविंद्र ने ये इनके बाल काटने शुरू कर दिए हैं। तो ये रविंद्र कई सालों से कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सभी सलून बंद है, दुकानें बंद हैं, तो जो ये सामाजिक कार्य, रविंद्र का ये सामाजिक कार्य है जिनके नाम से सोशल बार्बर के नाम से जिसे ये फेमस हैं, इस तरह से पूरे इलाके में मशहूर हैं और दुकानें भी बंद हैं उन लोगों के पास जिनके पास पैसे नहीं हैं, ज़्यादा वो बाल कटवा नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों की लगातार रविंद्र मदद कर रहे हैं, ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं या फिर जिनके बाल बहुत बढ़ गए हैं और वो कटवा नहीं सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए रविंद्र हर दम तैयार रहते हैं और हर सोमवार को मुंबई के किसी न किसी इलाके में रविंद्र पहुंचते हैं और ऐसे लोगों के बाल काटते हैं जो बाल कटवाने में मजबूर हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं।
कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।